नमस्कार, मैं हूं समंदर सिंह राजपूत और आप मेरे साथ देख रहे हैं अलर्ट विद समंदर। जबलपुर के निजी अस्पताल में लगी आग के बाद सरकार और प्रशासन हरकत पाई और इसके बाद कई घंटों प्रशासन ने मीटिंग की। अब ऐसे अस्पताल जो अग्नि सुरक्षा के मानकों का पालन नहीं करते हैं, ऐसे अस्पतालों पर प्रशासन अब कार्रवाई करेगा। इसके लिए लगातार अभियान भी छेड़ा जाएगा। आइए आपको दिखाते हैं इस मामले से जुड़ी ये खास रिपोर्ट। शहर की निजी अस्पतालों के साथ उन नर्सिंग होम में नगर निगम जांच करेगा जहां अग्नि परीक्षा के मानकों का पालन नहीं किया जा रहा। निगम की जांच टीम इन अस्पताल और नर्सिंग होम का निरीक्षण कर यहां के सुरक्षा मानकों की जांच करेगी। दरअसल केंद्र सरकार के निर्देश के बाद निगम प्रशासन हरकत में आ गया। शहर के सभी अस्पताल और नर्सिंग होम को एक महीने के भीतर अग्नि सुरक्षा के मानकों की जानकारी देने को कहा गया है। इसके कई घंटों तक भोपाल कलेक्टर अविनाश लवाणिया ने अधिकारियों के साथ बैठक की। प्रदेश के ऐसे अस्पताल जो अग्नि सुरक्षा के मानकों का पालन नहीं करते हैं, उन पर जल्द शिकंजा कसने जा रहा है। ऐसे अस्पतालों पर शिकंजा कसेगा जो अग्नि सुरक्षा के मानकों का पालन नहीं कर रहे हैं। इसके लिए प्रशासन ने आदेश जारी कर दिए और टीम गठित कर दी गई है। जबलपुर के न्यू लाइफ हॉस्पिटल में आगजनी की घटना के बाद प्रदेश भर के अस्पतालों और नर्सिंग होम्स की जांच के लिए एक महीने तक अभियान चलाया जाएगा। ACS हेल्थ मोहम्मद सुलेमान ने सभी जिला कलेक्टर, नगर निगम कमिश्नर, CMHO और मुख्य विद्युत एवं सुरक्षा निरीक्षक को नर्सिंग होम्स की जांच करने के आदेश दिए। जिलों में नर्सिंग होम्स की संख्या के मुताबिक जांच दल बनाकर 10 अगस्त से जांच शुरू की जाएगी। इस जांच दल में डॉक्टरों के साथ ही नगर निगम और बिजली विभाग के कर्मचारी भी शामिल रहेंगे। 31 अगस्त तक निरीक्षण का काम पूरा करने के निर्देश दिए गए हैं। ACS के आदेश के बाद भोपाल CMHO प्रभाकर तिवारी ने 8 जांच दल बनाए हैं। इनमें एक डॉक्टर के साथ एक सहायक और नगर निगम के फायर ऑफिसर को भी शामिल किया गया है। आज यहां सभी मेडिकल एसोसिएशन के अध्यक्ष सचिव, नर्सिंग होम एसोसिएशन के अध्यक्ष सचिव और सभी जो डॉक्टर्स हैं उन सबके साथ बैठक विशेषकर फायर सेफ्टी को लेकर की गई है। अच्छी बात यह है कि भोपाल में जो 377 चिन्हित ऐसे इंस्टीट्यूशंस हैं उसमें से लगभग 300 इंस्टीट्यूशंस के द्वारा ऑलरेडी अपने इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूत करते हुए टेम्प्रेरी फायर NOC जो है वो ले ली गई है। शेष सभी इंस्टीट्यूशंस की फायर NOC के जो एप्लीकेशन है उनमें कुछ माइनर इश्यूज होने के कारण वो उनको टेकअप कर रहे हैं, वो भी प्रचलन में। आज की जो बैठक थी उसका मुख्य उद्देश्य सभी को ये बताना था कि न केवल टेम्प्रेरी NOC, उसके अलावा भी हम सब लोगों को फायर सेफ्टी के इश्यूज को लेकर सचेत रहने की आवश्यकता है। विशेषकर हमारे सभी इंस्टीट्यूशंस में ट्रेनिंग्स ऑर्गेनाइज हो जाए और सभी जगह एक एक बार मॉक ड्रिल आवश्यक रूप से हो जाए, जिससे कि हम सब लोग ये देख सकें कि यदि ऐसा कोई इंसिडेंट, ईश्वर ना करे, लेकिन अगर होता है तो हमारी जो टीम है वो इक्विप्ड हो, ट्रेंड हो और वो उसको इमीडिएटली रिस्पॉन्ड। जो पूरी बैठक थी उसमें दो चीज़ों पे विशेषकर हमारा फोकस था। एक, इलेक्ट्रिकल सेफ्टी ऑडिट पे हमारा विशेष फोकस था, क्योंकि देखने में ये आ रहा है कि ऑफ लेट ज़्यादातर फायर इंस्टेंसेस जो है वो शॉर्ट सर्किटरी के कारण होते हैं, तो इलेक्ट्रिकल ऑडिट्स पे हमारा फोकस था। एंड सेकेंडली मॉक ड्रिल पे हमारा विशेष फोकस था। हर्ष का विषय ये है कि सभी एसोसिएशन और सभी नर्सिंग होम्स के द्वारा ये आश्वस्त किया गया है कि वे लोग बहुत ही जल्द अपनी मॉक ड्रिल्स जो है वो कंडक्ट करेंगे। इसमें हमारी तरफ से जो नगर निगम में इम्पैनल्ड फायर सेफ्टी ऑडिटर्स हैं उनके नंबर्स भी हम सबके साथ शेयर कर देंगे, जिससे कि यदि किसी को भी फर्दर कोई इंफॉर्मेशन की आवश्यकता है या मॉक ड्रिल में किसी एक्सपर्ट की आवश्यकता है तो उनकी प्रेजेंस में वो लोग अपनी मॉक ड्रिल जो है उसको कंफर्टेबली कंडक्ट करें। बिल्कुल ठीक बात है। मैंने जो आज की बैठक में भी हम लोगों ने विषय रेज किया वो यही था कि टेम्प्रेरी NOC का तात्पर्य ये होता है कि ऑन दैट डे, ऑन दैट पर्टिकुलर मोमेंट आपकी सभी व्यवस्थाएं ठीक है, लेकिन उसके बाद भी लगातार आप अपनी व्यवस्थाएं ठीक रख रहे हैं, ये आपका दायित्व है, लायबिलिटी है और ये हमारी भी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि हम उसको लगातार चेक करें, जिसकी कि औचक निरीक्षण हम लोग करते रहते हैं। मैं आपको ये भी बताना चाहूँगा कि पिछले एक माह में ये औचक निरीक्षण के दौरान पाई गई कमियों के चलते 10 ऐसे इंस्टीट्यूट्स हैं जिनका कि रजिस्ट्रेशन भोपाल में हम लोगों ने कैंसिल किया है। तो औचक निरीक्षण हमारी तरफ से लगातार होते रहते हैं
और आज भी सभी हॉस्पिटल्स को और एसोसिएशंस को ये आगाह किया है कि औचक निरीक्षण को देखते हुए वे खुद इंटरनल ऑडिट समय समय पर करते रहें, जिससे कि जो व्यवस्थाएँ टेम्प्रेरी एनओसी के टाइम वो चाक चौबंद करते हैं वो यथावत वैसे ही सदैव बनते हैं। जो है उसका प्रावधान है, हम लोग लगातार करते रहते हैं। पिछले माह के औचक निरीक्षणों में 10 रजिस्ट्रेशन हमने कैंसिल भी किए हैं और आगे आने वाले माह में भी हम लोग लगातार ही औचक निरीक्षण करते हैं। ऐसा कहना उचित नहीं होगा। दोनों ही बातें बताना चाहूँगा। एक तो ये कि मॉक ड्रिल ऐसा नहीं है कि आज से पहले नहीं हो रहे थे, आज से पहले भी मॉक ड्रिल्स कंडक्ट कराए जा रहे थे, परंतु आज क्योंकि हम लोगों ने बैठक की है तो विशेष फोकस और विशेष एम्फोसिस देके सभी को मॉक ड्रिल्स कराने के लिए कह दिया गया है। जहाँ तक दूसरी बात है कि कमला नेहरू इंस्टेंस के बाद क्या कार्रवाई हुई, तो मैं आपको फिर बताना चाहूँगा कि उस इंस्टेंस के बाद लगातार सभी हॉस्पिटल्स के औचक निरीक्षण भी हो रहे हैं, फायर एनओसीज पे हम लोगों ने फोकस किया है, तो लार्जली सभी हमारे बड़े और जो इम्पोर्टेंट इंस्टीट्यूट्स हैं सभी लोगों ने अपनी अपनी टेम्प्रेरी फायर एनओसीज भी ले ली है, जिसको कि वो लगातार अपने स्तर से भी चेक करते हैं। प्रदेश के ऐसे अस्पताल जो अग्नि सुरक्षा के मानकों का पालन नहीं करते हैं, ऐसे अस्पतालों पर जल्द शिकंजा कसने जा रहा है। प्रशासन ने इसके आदेश जारी कर दिए हैं। अब लगभग एक महीना प्रदेश भर में ऐसे अस्पतालों पर जांच कराने के लिए टीम गठित की है, जिनके लिए ये टीम जाकर सुनिश्चित कराएगी कि इनके पास अग्नि सुरक्षा के मानकों का पालन कर रहे हैं या नहीं। ACS हेल्थ ने नर्सिंग होम के निरीक्षण के लिए प्रारूप तैयार किया। सभी जिलों के हर जांच दल को एक जैसे प्रपत्र पर जांच रिपोर्ट देनी होगी। निरीक्षण के बाद टीम अपनी रिपोर्ट CMHO को देनी होगी। जिन अस्पतालों में खामी पाई जाती है उन्हें तुरंत नोटिस जारी किया जाएगा। शो कॉज नोटिस के साथ निरीक्षण प्रतिवेदन की कॉपी भी संलग्न की जाएगी। इसमें जांच के दौरान मिली खामियां भी बताई जाएंगी। निरीक्षण के दौरान जिन अस्पतालों में फायर सेफ्टी और इलेक्ट्रिकल सेफ्टी ठीक नहीं मिलती, उन अस्पतालों के संचालकों को CMHO के जरिए शो कॉज नोटिस जारी किया जाएगा। नोटिस की कॉपी ईमेल या व्हाट्सएप के जरिए भेजी जाएगी। एक महीने में जवाब ना देने पर कार्रवाई होगी। यदि जवाब संतोषजनक नहीं मिलता है तो नर्सिंग होम संचालक के खिलाफ स्पीकिंग ऑर्डर जारी करते हुए नर्सिंग होम का पंजीयन निरस्त किया जाएगा। अलर्ट विद समंदर में समंदर सिंह राजपूत की रिपोर्ट।